यशायाह अध्याय 37, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 37। जब हिजकिया राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्रे फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया और उसने एल्याकीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था और शेबना जो मंत्री था और याजक के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे अमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिया यो कहता है कि आज का दिन संकट और उलहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मते पर हुए पर जच्चा को जगने का बल न रहा। संभव है कि तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें दपटे, सो तू इन बच्चे हुओं के लिए जो रह गया है प्रार्थना कर। सो हिजकिया राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए। तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो कि यहोवा यो कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जजों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकिश के पास से उठ गया है, और उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना कि वह मुझसे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिया के पास दूतों को यह कहकर भेजा कि तुम यहूदा के राजा हिजकिया से यो कहना कि तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों के साथ कैसा व्यवहार किया है कि उन्हें सत्यानाशी किया है। फिर क्या तू बच जाएगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलस्सार में रहने वाले एदेनी जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नाश किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उसको बचा लिया? हमात का राजा और अरपात के राजा और सपरवेम नगर का राजा और हेना और इव्वा के राजा, ये सब कहां गए? इस पत्री को हिजकिया के ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा परमेश्वर, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंख खोलकर देख और सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ दिया है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनको नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिया के पास यह कहला भेजा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तूने जो अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की, तो उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है कि सियोन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्ठों में उड़ाती है, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने जो नाम धराई और निंदा की है वह किसकी की है, और तू जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है वह किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध तूने यह किया है। अपने कर्मचारियों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर बरन लबानोन के बीच तक चढ़ाया हूं। मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनोबरों को काट डालूंगा और उसके दूर दूर के ऊंचे ऊंचे स्थानों में और उसके बनाए बन की फलदाई बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने तो
खुदवा कर पानी पिया और मिस्र की नहरों में पांव धरने ही उन्हें सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठहराया और पूर्व काल से इसकी तैयारी की थी, इसलिए अब मैंने यह पूरा भी किया है कि तू गढ़वाले नगरों को खंडहर ही खंडहर कर दे। इसी कारण उसके रहने वालों का बल घट गया कि और वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाते हैं। मैं तो तेरा बैठा रहना और कुछ करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और अपमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तू उसे खाओगे जो आपसे आपोगे, और दूसरे वर्ष उससे जो उत्पन्न हो वह खाओगे, और तीसरे वर्ष बीज बोने वाले और उसे लवने पाओगे, दाख की बारियां लगाने और उसका फल खाने पाओगे, और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूलेंगे फलेंगे, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सियोन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे, और सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक भी तीर मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने व इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा भी करके उसे बचाऊंगा। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 125,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब क्या देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चला गया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निक्त्रोस के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेख और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारा देश में भाग गए, और उसी का पुत्र एस हर दोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा।